बार हमने एक न्यूज़ बनाई थी वांगनी गांव में, जहां पे 350 ब्लाइंड लोग रहते हैं और वहां पे पटरी क्रॉस करते समय ब्रिज ना होने के कारण ऐसे हादसे होते थे। तो मैंने उनके ऊपर एक न्यूज़ बनाई और वह न्यूज़ यहां के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो AGM है उनको यह न्यूज़ दिखाया और उन्होंने बोला कि हाँ, हम यहाँ पे जल्दी ही काम चालू करेंगे और यह ब्रिज जल्दी ही बनाएंगे। यह मीटिंग 12 मार्च 2013 को हुई थी। यह मीटिंग में GS बैनर्जी, SP S गुप्ता, श्री शुक्ला, श्री PK मुदिरा, यह अधिकारी मौजूद थे। मुझे बताइए कि अंदर क्या हुआ आप जाने के बाद में? अभी हमसे मिस्टर बैनर्जी मिले हैं, उन्होंने हमको FOV के बारे में पॉजिटिव रिप्लाई दिया है और प्रोग्रेस में जल्दी आ जाएगा ऐसा उन्होंने बताया। अंदर ऐसा डिस्कस हुआ कि जो ब्रिज का है वो बजट में, चालू बजट में पास हुआ है, लेकिन उनका इंजीनियरिंग प्लानिंग चल रहा है कि कैसा बनना चाहिए और कैसा बनाएंगे। और बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग का कुछ प्लानिंग भी दिखाया कि जो नॉर्मल आदमी के साथ जो ब्रिज होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए बोला है कि हम लोग ने बोला कि बीपस होना चाहिए, टेक्सटर होना चाहिए और हैंड्रिल होना चाहिए कि जो अपंग आराम से उनको आधार लेके चल सकता है या प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। मैं वांगनी का ब्रिज मई महीने तक काम चालू करने वाला है ऐसा बोला। डिप्टी डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी है AVS राव, उनको हम लोग लेटर भेजेंगे और उन्होंने वो भी किया, लेटर भेजा और भेजने के बाद में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का ब्रिज का सेंक्शन किया और ब्रिज तो सेंक्शन हुआ पर लेकिन वहाँ पे अभी तक काम चालू नहीं है। तो हम लोग वापस फिर से वहाँ पे गए और पूछताछ की कि भैया काम क्यों नहीं चालू है, तो उन्होंने हमें बोला कि अभी प्लानिंग चालू है, काम शुरू हो जाएगा जल्दी से जल्दी, अभी ये देखना है कि काम कब तक चालू होता है। मुंबई से अमोल लाल झरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।